यहाँ पर बनाया अच्छा, महात्मा वो जो गांधी। स्टोरी सुना रहे थे आप बच्चा बाबा की, हाँ, वो इन्होंने क्या? चारी धाम पैदल गुलांत खाकर चारों धाम की पैदल यात्रा की। इन्होंने पैसे कभी को हाथ में नहीं छुआ। पुणे में बनाया, एक यहाँ पर बनाया, ये इन्होंने इंजीनियर द्वारा नहीं, उन्होंने स्वयं, अच्छा, उन्होंने ही बनाया ये खुद उनकी, हाँ, उनकी खुद उनकी मर्जी से। पैसे को कभी उन्होंने हाथ नहीं लगाया, पैसे को कभी नहीं छुआ उन्होंने। हाथ में लगा और ऑटोमेटिक में। तो मेरा नाम सुनील पंडित है और आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कायथा से हमारी जो यात्रा थी महाकाल की अयोध्या यात्रा, वो नैनावत गांव में पहुंची है। नैनावत गांव जो है इसकी एक मान्यता है कि यहाँ हूबहू महाकाल का मंदिर है, यहाँ बच्चा बाबा काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उन दोनों को लेकर हम एक इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा, बने रहें और इस पूरे यात्रा के नज़ारे को और इस पूरी यात्रा को हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बाबा महाकाल हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, जय श्री राम लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। दोस्तों, आज हमारी जो यात्रा है वो यहाँ आकर आज इसका विश्राम हुआ है। ये नैनावत गांव है और यहाँ प्रसिद्ध महाकाल का मंदिर है। हम यहाँ आज की रात रुकेंगे। जगह जगह लोगों ने स्वागत किया गया और काफी कुछ होगा अंदर, बने रहें। देखिए, हर बच्चे की तमन्ना होती है कि वो कुछ बन जाए, कुछ कर गुजर जाए जिससे उसके माता पिता का नाम रोशन हो। हमारी यात्रा है, उज्जैन से चलकर आए हम, अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं और अयोध्या की तरफ बढ़ते बढ़ते हम विभिन्न ऐसी जगहों का जो मौका मुआयना कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनकी हिस्ट्री को पहचान रहे हैं। हम खुद भी अंदर से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, आपको भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आनंद है जो हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं। एक दिन पहले हम अगर पीछे जाएं तो आप, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, हमने कायथा का जो महादेव का मंदिर है प्रतिदिन अपना आकार बदल रहा है उसकी स्टोरी की। आज हम आए हैं नैनावत, नैनावत गांव है, एक बाहर से का इसका स्वरूप आपको दिखाई देगा। ये जो है हमें एक नाम जो है यहाँ खींच कर लेके आया और मजबूर कर दिया कि हमें ये वीडियो बनाना है। ऊपर लिखा हुआ है बच्चा बाबा अमर रहे और इसकी जो हिस्ट्री है, इस नाम के पीछे जो कहानी है, आप सुनकर रोमांचित हो उठेंगे, हम तो अंदर से भाव विभोर हो गए। इस स्टोरी के बाद में हम नीचे लेके चलेंगे आपको उज्जैन के महाकाल, स्वयं अंदर विराजमान है, ऐसा लगेगा कि आप उज्जैन में हैं। हमारे साथ में ये बड़े गुरुजी हैं जो जिनके नेतृत्व में ये सारा कुछ डेवलपमेंट हुआ है, इनके बाद में ये छोटे गुरुजी इनका पूरा सारा काम संभाल रहे। नाम क्या आपका? भोला शर्मा। भोला शर्मा, गुरुजी के बारे में कुछ बताएं। ये बच्चा बाबा है, इन्होंने एक बोले में मंदिर बनाया था, फिर यहाँ पर बनाया। बोले का? बोले ही बोले ही बोले हनुमान दूर है यहाँ से, है 25-30 किलोमीटर। अच्छा, नैनावत जो गांव है वो किस तरफ आता है? नैनावत गांव है और जिला उज्जैन तहसील ताराना। किस तरफ बढ़ रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं? साजापुर की तरफ। साजापुर तरफ जा रहे हैं। साजापुर की, साजापुर तरफ है ना। हाँ। उज्जैन से हम साजापुर की तरफ, जिला उज्जैन है। जिला उज्जैन है। अच्छा, बाबा, इस बाबा, बच्चा बाबा की क्या कहानी? बच्चा बाबा यहाँ से पैदल आए थे और चारों, कहाँ से आए थे ये इन्होंने बताया तो नहीं कहाँ से आए थे, लेकिन इन्होंने एक बोले में मंदिर बनाया, फिर दूसरा यहाँ पर बनाया। अच्छा, वो जो स्टोरी सुना रहे थे आप बच्चा बाबा की, हाँ, इन्होंने चारी धाम पैदल गुलांत खाकर चारों धाम की पैदल यात्रा की, इन्होंने पैसे कभी को हाथ में नहीं छुआ। अच्छा, नहीं, गुलांची कैसे, एक जगह बैठ के खाई या नहीं? चारी, चारों तीर, चारों धाम पैदल चलते चलते, हाँ, चलते चलते चारों धाम की है, और फिर यहाँ आकर फिर इन्होंने मंदिर बनाया, ठहर गए। हाँ, चार धाम की यात्रा इन्होंने कर ली, फिर यहाँ आकर ठहर गए और इन्होंने मंदिर बनाया यहाँ पर, ये सारा डेवलप। हाँ, ये सब इन्होंने। कितने साल पुरानी बात है ये? 23-24 साल हो गए इनको ब्रह्मलीन होने को, 24 साल हो गए। 24 साल है ये, 5 फरवरी को 24वां साल लग जाएगा। 24 साल लग जाएगा 5 फरवरी को, 24वां साल। और ये जो पूरा मंदिर है इसकी क्या कहानी है, क्या कैसे, इस क्या विशेषता है इस महाकाल मंदिर, मतलब महाकाल मंदिर है, मंदिर है। अच्छा अच्छा, हाँ। क्या खूबी है इसकी, अंदर से कैसा है ये? उज्जैन के दूसरे नंबर पे यही महाकाल मंदिर है, जैसा उज्जैन में बना है वैसा के वैसा यही पर। गुलांचक आगे, एक बच्चा जिस तरह से अटकेलियां करता है उस तरह से अटकेलियां करते करते उन्होंने यहाँ आकर अपना जो ब्रह्मलीन हुए थे। ये देखिए कितना सुंदर स्वरूप, क्या विशेषता है इसमें। ये उज्जैन, ये बाबा ने बनाया, बाबा आए थे, ये एक मंदिर बोले में बनाया, एक यहाँ पर बनाया, ये इन्होंने इंजीनियर द्वारा नहीं, उन्होंने स्वयं, अच्छा, उन्होंने ही बनाया ये
उनकी, हाँ उनकी खुद उनकी मर्जी से, पैसे कभी को, पैसे को कभी उन्होंने हाथ नहीं लगाया, पैसे को कभी नहीं छुआ उन्होंने, हाथ नहीं लगाया और ऑटोमेटिक बन गया। कैसे संभव है ये, कैसे बना हो? ये कोई भी बाहर के आते थे और सामान डालकर चले जाते थे, उन्होंने कभी, हाँ कभी उन्होंने पैसे नहीं छुआ। और जो अपने जैसे कोई रहते हैं, जो कोई दे जाता तो उनको दूसरे को वो दे देते, वो लेकिन वो नहीं रखते। ये देखिए, ये जो आपका, जो आप महाकाल के दर्शन करेंगे, आप पाएंगे कि आप साक्षात महाकाल की गोद में है, निनावत गांव में है, फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको जोड़ना चाह रहा हूँ। और ये जो पूरा मंदिर है वो बच्चा बाबा ने बनाया है। देखिए, मैं अभी निनावदा का जो मंदिर है, महाकाल मंदिर, वहाँ पे दर्शन करने के बाद में हम जो रुके थे, हमने सोचा यहाँ का मार्केट देखा जाए कैसा है। तो ये आज गुरुवार को ये पूरा मार्केट लगता है, पूरा मार्केट सजा हुआ है, भीड़ देखें आप। हमने यहाँ, हम चाय कॉफी पीने के लिए आए, पूरा ये मार्केट। हाँ, काफी। ये देखो दोस्तों, हम यहाँ रुके हैं और अभी हमारी चाय बन रही है। वैसे मैं चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन कॉफी बन रही है। हमारे दोस्त, क्या नाम है भैया आपका? मुकेश। मुकेश जी, यहीं क्या आप? जी। तो मंदिर से कितने सालों से जुड़े हुए? मंदिर से मैं लगभग 20 सालों से जुड़ा हूँ। दो चार सालों? 10 सालों से। 10 सालों से। तो रोज सुबह डेली आते हैं? जी। हाँ जी, आप भी रोज डेली आते हैं? आपके क्या नाम है? तूफान सिंह। अच्छा, ये हमारे यहाँ के महंत जी है। हम साथ में, देखिए, देसी चाय पी रहे हैं, एकदम बिल्कुल चूल्हे पे बनी। ये बार बार पिक्चर में आने वाले शख्स का नाम है रोड़ावा। ये जो पिक्चर में आके हमारी इस वीडियो को बड़े ही खूबसूरत तरीके से बना रहे हैं, और इनकी जादूगरी जो कर्म वीरता है, इनकी जो काम के प्रति जो लगन है, कहीं कहीं हमें भी उत्साहित करेगी।